और बड़ों को नजर क्यों लगती है और नजर ना लगे उसके लिए हम क्या? नजर नहीं लगती है, वो एक प्रेम का अंग है जिससे अधिक प्रीति होती है, तो हमें संशय हो जाता है कि कहीं इसका मंगल ना हो जाए, कहीं इसका मंगल ना हो जाए, एक संशय रहता है जिससे अधिक प्रीति होती है। नजर अधिक प्रीति वाले से उतारी जाती है, जैसे हम अपने प्रिया प्रीतम की उतारते हैं, तो भला बताओ जिनकी नजर से सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, जिनकी नजर से ही सबकी नजरें हैं, उनको क्या नजर लगेगी? प्रभु को नजर लगेगी, भगवान को नजर लगेगी क्या? लेकिन हम उतारते हैं, बलिहारी जाते हैं, अंगुली चुटकाते हैं, तृण तोड़ते हैं, ये जो नजर उतारने के राइनून उतारते हैं, ये हमारी प्रेम की वृत्ति है, वहां को किसी की नजर लगनी है। अगर नजर से की लगने से हो जाता तो न जाने क्या क्या हो जाता, कुछ नजर नहीं लगती। हम जैसा सोचते हैं, जैसा भावना करते हैं, वैसा होता है, कोई किसी की नजर वजर नहीं लगती है। ये प्रीति की भावना है, किसी की नजरों में इतनी ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। हाँ, अब जैसे जुकाम बुखार या कुछ घटना घटनी है, अब उसको किसी निमित्त से मान लीजिए, बका किसी की नजर बोले उसकी नजर इतनी खराब भर कर देख ले तो बच्चा बीमार हो जाए, नहीं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। गर्भ में ही बालक कितने ऐसे कष्ट पा रहे हैं, तो क्या उसमें किसकी नजर लग गई? कर्म, कर्म। हम लोग इन सब बाहरी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये सांसारिक लोक रीति के अंतर्गत आता है, और बकाया जो वास्तविक नजर उतारने का तरीका वो प्रीति का है।